श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे शिमला मिर्च खाने के फायदे। आमतौर पर सब्जी, नूडल्स और गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली शिमला मिर्च को कई लोग सलाद के रूप में भी खाना पसंद करते हैं। शिमला मिर्च में कैलोरी न के बराबर होती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं पाता है। इसके अलावा शिमला मिर्च के और भी ढेरों सारे फायदे हैं। शिमला मिर्च एक ऐसी सब्जी है जो कि न सिर्फ सलाद के रूप में बल्कि सब्जी बनाकर भी बहुत चाव से खाई जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सब्जी केवल स्वाद ही नहीं, इसके अलावा इसे खाने के कुछ स्वास्थ्यवर्धक फायदे भी हैं। मैं आपको ही बताने जा रहा हूं शिमला मिर्च के कुछ अनोखे गुण। शिमला मिर्च स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जियों में से एक है। इसे बनने वाली हर डिश बेहद स्वादिष्ट और लाजवाब होती है। इसमें कई पोषक तत्व हैं, विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें मिनरल्स भी काफी मात्रा में हैं। इसे अपनी डाइट में शामिल करने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसमें पाचन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के कई गुण होते हैं। इसे खाने से पाचन क्रिया ठीक रहती है और पेट में दर्द, गैस, कब्ज आदि की समस्या दूर हो जाती है। इसके सेवन से पेट में होने वाले छालों को भी तकलीफ, जो तकलीफ है वो दूर हो जाती है। मधुमेह में राहत होता है जिसको डायबिटीज है। शिमला मिर्च के सेवन से डायबिटीज में राहत मिलती है और शरीर में रक्त शर्करा का लेवल जो है वो सही रहता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, जिससे शरीर में ज्यादा कैलोरी का संचय नहीं होता है। इसके सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा नहीं होती। इम्यूनिटी बढ़ने में कारगर है। विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से संक्रामक रोगों से लड़ने में भी यह मदद करता है। ये रोग प्रतिरक्षा को भी बढ़ाने में कारगर है। इंफेक्शन, अस्थमा में भी ये फायदेमंद है। ये श्वेत रक्त कणों को इंफेक्शन से लड़ने में उत्तेजित करती है, इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। साथ ही शिमला मिर्च सांस संबंधित समस्याओं जैसे फेफड़ों का इंफेक्शन, अस्थमा आदि से बचाव करती है। यह बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह शरीर में समाये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करती है, जिससे कैलोरी को बर्न करने में मदद मिलती है। अगर आप वजन घटाने के लिए फिक्रमंद हैं, तो शिमला मिर्च आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में कैलोरी होती है, जो वजन घटाने में मददगार है। मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में बढ़ती है। कैलोरीज बर्न करने के साथ ये कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है उसको बढ़ने से रोकता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी होता है, जो कि बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को हार्ट अटैक, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा और मोतियाबिंद से लड़ने में सहायता करता है। इसके अंदर बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती, इसलिए खराब कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाती है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है। वजन को संतुलित करने में हितकारी है। इसमें दिल को ठीक रखने वाले कई गुण होते हैं। इसके सेवन में सेवन से हृदय की जो धमनियां भी बंद नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ही बहुत कम होती है। यह दर्द निवारक भी है। इसमें एक तत्व पाया जाता है जो कि माना जाता है कि वह दर्द को त्वचा से स्पाइनल कॉर्ड तक जाने से रोक देती है। इससे दांत, नसों के दर्द के इलाज आदि में प्रयोग किया जा सकता है। शिमला मिर्च का प्रमुख तत्व केनिन होता है, जो शरीर में दर्द के प्रभाव को घटाने का काम करता है। इसके सेवन से गठिया की समस्या से भी राहत मिलती है। पेन किलर ट्यूब या जेल में भी यह तत्व मौजूद होता है, जिससे लगातार लगाते ही दर्द गायब हो जाता है। अस्थमा और कैंसर में फायदेमंद है। शिमला मिर्च को कई पुराने सालों से अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। शिमला मिर्च में पाए जाने वाले विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन भरा पड़ा होता है, इसलिए इन बीमारियों में फायदेमंद होता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।